जो मुझे प्राथमिक जानकारी मिली है उसमें डोंगरी में एक बिल्डिंग कोलैप्स होने के कारण उसके अंदर करीब 15 फैमिलीज के फंसे होने की संभावना वहाँ पर दिखाई पड़ रही है। ये करीब 100 साल पुरानी बिल्डिंग है और वहाँ के बिल्डिंग के रहवासियों ने वाड़ा के नियम के अनुसार उसके लिए रीडेवलपमेंट के लिए वहाँ पर एक विकासक को डेवलपर को अपॉइंट भी किया था और उसका उसके लिए उसको उनको परमिशन भी मिली थी, लेकिन ये डेवलपर ने उसको समय पर डेवलप किया या नहीं किया ये सारी चीज़ें अब जांच में सामने आएगी। अभी तो सारा फोकस जो है वो जो लोग वहाँ पर अभी मलबे के नीचे हैं उनको कैसे बाहर निकाला जाए इसके ऊपर सारा फोकस वहाँ पर रखा हुआ है। और मुझे ऐसा लगता है कि एक बार ये सारी चीज़ें सामने आ जाए तो उसके बाद इसकी इसका इन्वेस्टिगेशन भी प्रॉपरली किया जाए। पीड़ित परिवारों को क्या मुआवजा? देखिए अभी वो तो सरकार देती है, लेकिन अभी थोड़ा सा सारी चीज़ें सामने आने दीजिए, उसके बाद उसको घोषणा होगी।